अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू मी चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे सूजी का पेड़ा यानी कि बर्फ़ी। तो चलिए शुरू करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए शक्कर, काजू, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, सूजी, GRB घी, इसके बाद पैन गरम कर लेना है। पैन गरम कर लेने के बाद इसमें सूजी ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छा भून लेना है। भून लेने के बाद अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करके सूजी के साथ अच्छा भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए अच्छा सा भून चुका है। अच्छा भून लेने के बाद इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। अब उसी पैन में कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल ऐड करके भून लेना है। अच्छा भूनने के बाद इसको भी एक बॉल में ट्रांसफर कर लेना है। अब उसी पैन में भुना हुआ सूजी ऐड कर लेना है। ऐड करके काजू ऐड कर लेना है। अब इसे ऐड करके अच्छा मिक्स कर लेना है। अच्छा मिक्स कर लेने के बाद कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड करेंगे यानी कि कद्दूकस किया हुआ भुना हुआ सूखा नारियल ऐड करके सूजी के साथ अच्छा मिक्स कर लेना है। अच्छा भुनने के बाद साइड में रख देना है। इसके बाद अब हम शुगर शरबत बना लेंगे। इसके लिए एक पैन में शुगर ऐड कर लेंगे। ऐड करके पानी भी ऐड कर लेना है। अच्छा हिलाना है, हिलाते ही रहना है 5 मिनट तक। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ऐड करके शुगर के साथ अच्छा मिक्स करके पका लेना है जब तक के गाढ़ा हो के चिपचिपा होने तक, जैसे हनी की तरह। देखिए अच्छा पक के गाढ़ा होके चिपचिपा हो चुका है। इसके बाद हम इसे सूजी में ऐड कर लेंगे। ऐड करके अच्छा मिक्स कर लेंगे सूजी में अब्जर्व होने तक के, और उसे अच्छा हिलाते ही रहना है जब तक कि अच्छा अब्जर्व हो जाए। अच्छा पक के अच्छा ऑब्जर्व होके रेडी हो चुका है सूजी का मिक्सचर। इसके बाद अब हम एक प्लेट में घी ऐड करके ग्रीस कर लेना है। अच्छा ग्रीस कर लेने के बाद सूजी का मिक्सचर इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ऐड करके दबा दबा के प्लेट में फैला लेना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एक कठौली की मदद से धीरे धीरे प्रेस कर लेना है अच्छा लेवल अप होने तक के। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डाल सकती। ऐड करके इसे भी कठौली की मदद से प्रेस कर लेंगे। अच्छा प्रेस हो जाने के बाद इसे कट कर लेंगे। जैसा शेप चाहिए वैसी शेप में ही आपको कट कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। देखिए बर्फ़ी बन के रेडी हो चुका है, अब सर्व करने के लिए तैयार है। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।